हेलो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं गेट की स्ट्रेटजी। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि गेट एग्ज़ाम बहुत इजी है और एक एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट दोनों टाइप के लोग आराम से क्रैक कर सकते हैं। और आपको एक डेटा बता दूँ कि 90% ऑफ स्टूडेंट जो गेट में टॉप रैंकर होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं जो या तो एवरेज रहे हैं कभी या फिर बिलो एवरेज रहे हैं। ओनली 10% एस्पिरेंट्स आर देयर हु आर बाय बर्थ टैलेंटेड, यू कैन से। सो अभी स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें तैयारी करें कि हम टॉप रैंकर में आ सके और इंडिया की बेस्ट PSUs में अपना सिलेक्शन हो सके। अब बेस्ट PSUs में सिलेक्शन के लिए जाहिर सी बात है, आपकी रैंक बिलो 200 और 100 हो तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी कोचिंग सेंटर में। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो डेफिनेटली पर डे कोई टॉपिक उठाएंगे फिर पढ़ेंगे, और जो कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हुआ है वो भी ऐसे ही स्टूडेंट है जिनको पर डे एक चैप्टर या दो चैप्टर करवाया जाएगा। सो डेफिनेटली दोनों के लिए स्ट्रेटेजी सेम रहेगी। जो एक स्टूडेंट क्लास में पढ़ के आ रहा है, एक स्टूडेंट घर बैठ के पढ़ रहा है, बट सेल्फ स्टडी की जो स्ट्रेटेजी है वो दोनों के लिए सेम रहेगी। शुरू करते हैं। इन केस अगर आप 5 to 6 आवर दे सकते हैं आफ्टर योर कोचिंग, 5 to 6 आवर पर डे और रेगुलर बेसिस पे दे सकते हैं तो आपका काम बन जाएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपका आज थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स में आपका चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया टीचर ने क्लास में। अब घर आने के बाद आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ मेडिसिन स्टूडेंट देन यू माइट हैव गॉट फोर बुक्स, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वर्कबुक क्वेश्चंस एंड थ्योरी बुक और ES ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब ये चार किताब, इन चारों में से चैप्टर 1 का सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। आज जो चैप्टर 1 थर्मोडायनेमिक्स हम करवाया, घर आने के बाद उससे रिलेटेड सब कवर कर लेना है ताकि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू गो टू स्लीप आप सबसे आगे हो जाओ। क्योंकि डेफिनेटली जो मटेरियल मिला है इन चारों किताब से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ेगा, तो आप 2 स्टेप सबसे आगे हो ही जाएंगे डेफिनेटली। अब सीक्वेंस क्या मेंटेन करके चलनी है इन सब्जेक्ट्स की, इन बुक्स की। पहले तो जैसे ही आप आएंगे तो टेक रेस्ट एंड आफ्टर 1 आवर्स आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई। उसमें सबसे पहले आप लगाएंगे वर्क बुक, क्योंकि नेक्स्ट डे डेफिनेटली वर्क बुक डिस्कस होने वाली होगी, और अगर आपने गलती से उस स्किप कर दी तो क्लास में आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। उसके बाद आप करेंगे ऑब्जेक्टिव ब्रेन टीजर्स थ्योरी बुक से, एक जो मेडिसिन में थ्योरी बुक मिलेगी जिसमें ऑब्जेक्टिव ब्रेन टीजर होंगे। आपको एग्जाम्पल नहीं करना, उससे थ्योरी भी नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ब्रेन टीजर करने हैं। इसका फायदा क्या होगा कि उसमें नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मेडिजी के जो स्टडी मटेरियल का डिपार्टमेंट है वो नए क्वेश्चंस बनाता है और इन बुक्स में डालता है। आपकी जो सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो ब्रॉड हो जाएगी। इन शॉर्ट आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोच पाएंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब वर्कबुक आपने पहले लगाई, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ब्रेन टीजर आपने लगाए, उसके बाद आप गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे। गेट प्रीवियस ईयर फिर जब लगाओगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, वो बहुत ईजी लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि गेट तो मैं कर लूँगा। जब वो भी कंप्लीट हो जाएगा देन आप ऑब्जेक्टिव उठाएंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर के आ चुके हैं। वो बेसिकली आपको हेल्प करेंगे कि जो गेट में एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो ऐसे जब आप डेली शेड्यूल अपना फॉलो करेंगे, नेक्स्ट डे चैप्टर 2, चैप्टर 3 होगा, फिर चैप्टर 5 होगा एंड सो ऑन, और साथ साथ आप सब निपटाते रहेंगे, तो जिस दिन आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा डेफिनेटली उस दिन आप चारों किताब से सारे क्वेश्चन लगा चुके होंगे। अब आप सोचिए एक बात, अगर सारे क्वेश्चन आपने लगा लिए, मेरे जैसे 4 किताबें मिलती जिनमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, आपने सब कर लिए, इससे ज़्यादा कोई नहीं करेगा। मैं बता देता हूँ, मैंने भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था। डेफिनेटली आप सबसे आगे हो, क्योंकि इतना भी लोग नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी चाहिए, बट आई पर्सनली सजेस्ट दैट स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो मत करिए। 8 से 9 मंथ की तैयारी के दौरान अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, क्योंकि जो मेडिसिन में टीचर पढ़ा रहा है या फिर किसी भी XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर पढ़ा रहा है वो ऑलरेडी 5 से 6 किताब पढ़ चुका है। उनका जो बेस्ट आउटपुट है वो आपको डिलीवर कर रहा है क्लास में। तो क्लास नोट्स आर द परफेक्ट फॉर थ्योरी, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है वहाँ से सब कर लीजिए, जितना भी ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं। तो जिस दिन आपका सब्जेक्ट खत्म होगा आप डेफिनेटली सब कुछ कर चुके होंगे।
अब जैसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन आपके काफ़ी लाइट होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बेसिक्स चलते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस करने को मिलेंगे नहीं उनमें। तो उन 2 दिन को यूटिलाइज करिए, जो प्रीवियस सब्जेक्ट आपने पढ़ा है जिसके न्यूमेरिकल किए हैं उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगर शॉर्ट नोट्स के आप सैम्पल चाहते हैं तो नीचे लिंक में आपको मैं आप शेयर कर देता हूँ, शॉर्ट नोट्स देख लीजिएगा और अकॉर्डिंगली बनाना। अब इतना सब होने के बाद ये आपका डेली बेसिस का जो काम है वो रहेगा। ये सब होने के बाद अब रिवीजन इम्पोर्टेंट है। रिवीजन आप कैसे करेंगे? वो सिंपल सा तरीका है, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उनकी ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जो कम इम्पोर्टेंट है उनकी कम रिवीजन करेंगे। अब अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैंने 4 ग्रुप में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया था इम्पोर्टेंस के हिसाब से, और उसी हिसाब से मैंने उनको रिवीजन नंबर ऑफ रिवीजन दिए थे। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैंने पहला ग्रुप बनाया था ग्रुप ए, जिसमें डाला था मैथमेटिक्स, प्रोडक्शन थ्योरी, मशीन्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट मैंने ग्रुप ए में डाले जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंस के हैं। इनको 10 रिवीजन देना है बिफोर एग्जाम, 10 रिवीजन्स। ग्रुप बी सब्जेक्ट का लिखो, लिखना चाहे तो मशीन डिज़ाइन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हीट ट्रांसफर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सब्जेक्ट ग्रुप बी में डालने हैं जिनके 6 to 8 रिवीजन्स बिफोर एग्जाम। ग्रुप सी में है एप्टीट्यूड, इंटरनल कम्बशन इंजन एंड मेटल साइंस। ये 3 सब्जेक्ट आप ग्रुप सी में डालेंगे और इनके 5 रिविजन्स, ओनली 5 रिविजन विल बी सफिशेंट बिफोर द एग्जाम। ग्रुप फोर में 2 सब्जेक्ट डालते हैं, पावर प्लांट एंड फ्लूइड मशीन्स। इनमें या तो क्वेश्चन आते नहीं हैं, आते हैं तो या फिर मैक्सिमम 2 मार्क्स का नंबर नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। आप इनकी 2 से 3 रिवीजन करेंगे तो काम चल जाएगा। अब ये बता दिया मैंने कि कौन सा सब्जेक्ट कितना रिवीजन करना है, किसका कितना करना है। अब एक रिवीजन का मतलब बता देता हूँ आपको क्या है। एक रिवीजन का मतलब है कि जब आपका सब्जेक्ट खत्म हो गया उसके बाद से रिवीजन स्टार्ट होंगे, उसको काउंट मत करना उस रिवीजन में। तो वंस अ सब्जेक्ट इज कंप्लीट आफ्टर 10 to 12 डेज यू आर गोइंग टू स्टार्ट रिविजन ऑफ दैट सब्जेक्ट। फॉर 1 रिविजन रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स, जो आपने एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चन करने के बाद बनाए थे, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। उसके बाद फॉर्मूलाज लिख के देखने हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, फॉर्मूलाज लिख के देखने हैं। अगर आप सिर्फ रीडिंग करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। रीडिंग करेंगे तो जस्ट एक इल्यूजन आएगा कि मेरे को फॉर्मूलाज याद है, बट वो हो नहीं पाएंगे। तो फॉर्मूलाज सारे लिख के देखने हैं। उसके बाद जो 4 बुक हैं जो मेडिसिन से मिलती हैं, गेट बुक है, थ्योरी बुक है, और ईएस की ऑब्जेक्टिव है, और गेट के प्रीवियस ईयर, इन 4ों किताब में से कोई एक किताब उठाइए, उसके सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगा दीजिए। और फोर्थ स्टेप आपका रहेगा कोई एक ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। तो एक रिवीजन का मतलब हो गया कि पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो आपका फॉर्मूलाज है वो सब लिख के देखोगे, उसके बाद क्वेश्चंस करोगे, किसी एक बुक को उठा के कंप्लीट लगा लोगे उसको, और फाइनली एक ऑनलाइन टेस्ट दोगे। जैसे टेस्ट दोगे आपकी अच्छी रैंक आएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंड यू यू विल फील दैट यू आर ऑन द टॉप इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऐसा ही सारे सब्जेक्ट के साथ रिपीट करना है, तो ऐसा चलता रहेगा तो डेफिनेटली आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग रहेंगे। और शेड्यूल अपना कुछ ऐसा सेट करना है ताकि फाइनल जब पेपर आए तो आपके सारे ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो। ऐसा नहीं कि जस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं, अटेम्प्ट करना है प्लस एनालिसिस करना है कि आपने क्या मिस्टेक करी है और फर्दर नेक्स्ट एग्जाम्स में क्या उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आपकी वीकनेस है वो आपको इम्प्रूव करनी है स्टेप बाय स्टेप। जो गलतियां आप अभी कर रहे हैं वो रिपीट नहीं करिए नेक्स्ट लेवल में। और एक्सीबीटी के भी एग्जाम भी होते हैं, अगर हो सके तो वो भी अटेम्प्ट कर लेना, उससे काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, मेटेरियल सबके पास होता है, बट टॉपर्स कुछ होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो टॉपर होते हैं वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और जो लोग रह जाते हैं वो स्ट्रैटेजी तो वो भी बनाते हैं बट वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते हैं। सो गाइस, एक स्ट्रैटेजी जो आपको अच्छी लगे, जो शेड्यूल आप अच्छा सेट कर पाए वो आप फॉलो कीजिए, और स्टे फोकस्ड, ऑल द बेस्ट।